दवाई तो बीमारी देख करके कर जनता की सेवा कर रही है। बाद माँ की जनता आज के डेट में जागरूक है, वो चाहेगी जिसे चाहिए मत अपना है, किसी को भी थे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जनता खुद अपना निर्णय ले। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जब से सोना है दर्द दूना है, जब से सोना है दर्द दूना है, सारी दुनिया पे इसने प्रहार किया है, कोरोना मेरे अपनों पे वार किया है, कोरोना मेरे अपनों पे वार किया है, तब हमने भी अपनों को होशियार किया है, सिस्टम ये लॉकडाउन तैयार किया है, कोरोना से बचने का उपचार किया है, कोरोना से बचने का उपचार किया है। शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराए साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया। आज वार्ड नंबर 24 में दवाई का वितरण जैसे हो रहा था, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा। बहुत दिन से जो है यह कोरोना चल रहा है और पहले से ज़्यादा अभी कोरोना एक्टिव हो गया है। और पहले जो लोग सेवा किए और अभी जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, ज़रूरत आज की है, क्योंकि पहले तो बहुत कम संख्या में कोरोना था, लेकिन अभी जो है कि कहाँ पर कौन संक्रमित हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। और इसलिए अभी जो है ज़रूरत है कि अभी सेवा कार्य के लिए आगे आएँ। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मोहल्ले में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं, सोनी राज अग्रवाल जी, तो आज मिलने का इनसे बहुत दिनों के बाद मौका मिला और बड़ी खुशी हुई कि जब मिले बहुत दिन के बाद तो सेवा कार्य के लेकर के आए हुए हैं। और बड़ा हमको आज यह भी खुशी हुआ कि घर घर जा कर के और कोरोना का इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो इन्होंने वितरण किया और मोहल्ले के लोग काफ़ी हर्ष में है, खुशी में है। और हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि बहुत दिन के बाद हम लोग एक साथ मिले हैं और आज सेवा का, इनके साथ सेवा करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश्वर करे कि इनके हर मनोकामना पूर्ण करे भोलेनाथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता हुआ। देख रहा था कि सोनी राज अग्रवाल जी के साथ आप भी ये दवाई के वितरण कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या दवा बांटने आए हैं होम्योपैथी का, कोरोना का, कि सोनी जी के साथ में आए हैं उसका साथ देने के लिए, साथ में मैडम आज ये बतावें, काफ़ी बारिश हो रही थी, अब मैं जैसे देख रहा था कि काफ़ी घरों में जा जा करके आप दरवाज़ा तक खटखटा के आप यूनिटी बढ़ाने का जो दवाई है कोरोना का आप दे रहे थे, कैसा लग रहा था इस देने में? लोगों लोग जब ले रहे थे तो क्या महसूस कर रही थी आप? ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले अपने बारे में नमस्कार प्रणाम करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हमने वार्ड नंबर 24-32 में आकर के दवाई वितरण किया अपने तरफ से, और काफ़ी उल्लास, काफ़ी हर्ष दिखा और बहुत सारी जानकारी भी मिली आने के बाद। और मैंने इसके पहले भी सैनिटाइजर, साबुन वगैरह हमने वितरण किया है। आगे देखते हैं, जैसा जैसा समझ में आएगा वैसा वैसा करते हैं, हर चीज़ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ अभी कृष्ण गुप्ता जी सपोर्ट में है, साथ दिए। और इतना बारिश तेज है, अब बारिश के कारण से कोरोना का भी बहुत ज़्यादा फैलने का डर है, इस कारण से हम लोग ने आज दवाई का वितरण किया है। कितने घरों में, कितने लोगों को आज दवाई पहुँचाए आप? करीब 100 लोगों को हमने दवाई दी है। लोग कहते हैं कि चुनावी हवा है और जब ऐसा मौका आता है तो लोग आते हैं, कई नेता आते हैं, क्या इस विषय पर आप कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्शन तो फिलहाल अभी नहीं के बराबर है, फिलहाल जो बीमारी को हम लोग देख रहे हैं, हम बीमारी देख करके जनता की सेवा कर रहे हैं। बाद माँ की जनता आज के डेट में जागरूक है, वो चाहेगी, जिसे चाहिए मत अपना है, किसी को भी दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जनता खुद अपना निर्णय लेगी क्या? बिल्कुल, जनता अपना निर्णय खुद लेगी और हम अब फिलहाल हम सेवा। क्या क्या समस्याएं आए आप यहाँ पे दवाई देने आए तो वार्ड में कई लोग हैं जो आपको बोले होंगे, क्या समस्या का सामना करना पड़ा आपको? कि विकास के मुद्दा पर, विकास में तो जैसा कि बड़े बड़े नेता लोग हो या छोटा नेता हो, यही देखने के लिए मिलता है कि नाला और रोड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फिलहाल यही है। और गरीबी जो है, खाना चावल दाल का, ये सब तो खैर आम बात हो गया है। अभी फिलहाल जो चल रहा है बीमारी और दवाई, खाना, कपड़ा। आप आज दवाई के साथ साथ आगे और क्या प्लानिंग है कि करने के लिए, बांटने के लिए लोग तक पहुँचे, जो कि लोगों को फ़ायदा हो इस कोरोना महामारी के बीच में? जैसे कि अभी हम 32 में घुसे तो हम देखे कि रोड का बहुत स्थिति खराब है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 25 टेलर मिट्टी गिराने का, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे जनता लोग हमको जैसा बताएंगी, मैं उनके अनुसार चलूँगी।